रहीम, अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। आज मैं क्लास फर्स्ट में आपको एडिशन के बारे में बताऊंगी कि एडिशन क्या होता है, एडिशन मतलब क्या है। एडिशन जो है वर्ड बना है एट से, एट मतलब है जमा करना, एट मतलब जमा करना, यानी कि एक चीज को दूसरी चीज में जमा कर देंगे तो वो डबल हो जाएगी, उसकी तादाद बढ़ जाएगी। जैसे कि मेरे पास है वन मार्कर, ऐसे साथ एक और प्लस कर दूंगी, वन और प्लस वन इक्वल टू कितने हो गए, टू थिंग्स हो गई। तो ऐड में हमने यही, एडिशन में हमें क्या करना होता है, जमा करना होता है। बेटा ये तो था आपको एडिशन के बारे में मैंने समझाया। अब आपको स्कूल से जो असाइनमेंट मिला है उसमें आपको जो एडिशन के पेजेस दिए हैं बेटा वो ओपन करो, पेज नंबर 56 मेरे साथ बुक खोलें, पेज नंबर 56 पे देखें आप, ऐड द हॉरिजॉन्टली एंड देन वर्टिकली। यहाँ पे उसने दो मेथड दिए हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। इसके अंदर इसने 16+3 ये हॉरिजॉन्टल है, कौन सा मेथड है, हॉरिजॉन्टल एडिशन है। इसी को इसने दिया है अपने वर्टिकल भी दिया है। अब हॉरिजॉन्टल में इस तरह से हम प्लस करते हैं हॉरिजॉन्टल में। बेटा एक बात याद रखिएगा जरूर हमेशा के लिए मैथ्स में कि एडिशन का रूल है आपने राइट हैंड से स्टार्ट करना, और राइट हैंड से हमारी प्लेस वैल्यू को हमने जरूर याद रखना होता है कि वंस जो है वंस में ही होगा, यानी कि वंस को हम यूनिट भी कहते हैं। कि ये इसका वंस कितने हैं, 3, इसके वंस कितने हैं, 6। पहले वंस और वंस को प्लस करके लिखें, 3 और 6 कितने हो गए, 3 में 6 प्लस करूंगी, 6 के बाद से काउंटिंग कर दें, 3 डिजिट्स काउंट कर लें, 6 7 8 9। इसमें टेंस नहीं है, इसमें टेंस है, तो इसमें टेंस नहीं है तो काउंट होगी यहाँ पे, ये ऐसे चीज लिखा जाएगा, काउंट नहीं होगी, प्लस नहीं होगा। इसमें भी पहले इसी तरह से करेंगे, वंस और वंस को कर दें, इसमें उसने जो है पहले बाद वाली वैल्यू को पहले लिख दिया और पहले वाली वैल्यू को बाद में लिख दिया, था 3+16 और 16+3=19 ही होगा, ये था हॉरिजॉन्टल। इसी का सेट दूसरा मेथड क्या दिया उसने, वर्टिकल मेथड। इसके ऊपर आप प्लेस वैल्यू बना लो, वंस 10, इसके वंस कितने 6 और इसके वंस कितने 3, 6 और 3 9, टेंस है नहीं तो 10 एज इट इज लिखा जाएगा। ठीक, नंबर में इसने 10 मिस करके दिया है तो 16 में 3 प्लस करेंगे तो 19 है, 6 3 9। ये था, ये बेटर सारे क्वेश्चन आप बुक में से इसी तरीके से सॉल्व होंगे, आपने पूरा पेज आपने इसी तरीके से सॉल्व करना है। पेज नंबर 56 पे भी यही वर्क है आपका, पेज नंबर 57 पे भी उसने दिया है इसी तरीके से होगा। आप है आपके पास पेज नंबर 59, पेज नंबर 59 पे इसके ऊपर जो भी क्वेश्चन है आपने, एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर लिया, बाकी आपने खुद करना है। बेटा आप पेज नंबर 59 पे, 59 में उसने वर्ड प्रॉब्लम दी है। वर्ड प्रॉब्लम यानी कि आपने क्वेश्चन को खुद बनाना है, उसने आपको स्टेटमेंट दे दिया एक, उसे पढ़ के आपने क्वेश्चन बनाना है। क्या कह रहा है वो, मैं क्वेश्चन बेटा पढ़ रही हूँ, बनाऊंगी यहाँ बोर्ड पर आपको, आप मेरे साथ बुक ओपन करो। ए है हमारे पास अली मैक 16 लर्न्स, अली कितने रन बनाए 16, एंड हसन मैक्स 3 रन, और हसन ने कितने रन बना लिए 3 रन बनाए। हाउ मेनी रन टुडे टू डू दे मैक ऑल टुगेदर, बताइए दोनों ने मिलकर कितने रन बनाए। ये तो सेम वही वाली वैल्यू हमारे पास आ गई बेटा, अगर ध्यान से देखो तो 16 अली ने बनाए और हसन ने कितने बनाए 3, तो 16+3 19, इसको इसी तरीके से हमने यहाँ पे बनाना है, आप इसकी प्लेस वैल्यू बनाओ, अली
अली के कितने? 16 और हसन के 3। हाउ मेनी राउंड्स टू दे मैक्स ऑल टुगेदर? ऑल टुगेदर का मतलब है कि यहाँ पर क्या होंगे? प्लस होंगे। तो यहाँ पे किसका साइन आना चाहिए? प्लस का। दोनों के मिलके बता रहे ना हमें कि कितने रन हुए, तो हम क्या करेंगे? टोटल कर लेंगे दोनों के रन को। वही बात, वंस को वंस में प्लस करने, 6, 3, 9 और 1 एज इट इज आएगा, जिसमें नीचे में वैल्यू में टेंस मिले। ये था ए। बी देखिए बेटा, साइमा बाय 10 चॉकलेट। साइमा ने कितनी चॉकलेट खरीदी? 10 एंड 7 कप्स। 10 चॉकलेट्स इसने खरीदी और 7 कप केक्स खरीदी। हाउ मेनी स्वीट डस शी बाय ऑल टुगेदर? बताइए उसने मिलाकर कितनी स्वीट्स खरीदी हैं? साइमा ने पहले कितनी चॉकलेट्स खरीदी? चॉकलेट कितनी ली उसने? चॉकलेट वो पहले वंस और टेंस प्लेस वैल्यू बना ले। वंस कितने इसके अंदर? 0। टेंस कितने? 1। अब उसने कपकेक्स कितने लिए? 7। इसके अंदर टेंस नहीं है तो 7 कहाँ जाएगा? वंस की कॉलम में लिखिएगा। बहुत से बच्चे ये मिस्टेक करते हैं, इसको लेके यहाँ लिख देते हैं, ये गलत हो जाएगा, ये रॉन्ग है, इसका आंसर गलत आएगा। आपने इसको इस तरह नहीं लिखना है। 7 क्या है? वंस है, तो ये वंस की कॉलम में लिखिएगा। अब इसको प्लस कर लें। इसके वंस कितने? 0 और इसके वंस कितने? 7। 0 में 7 ऐड नहीं हो सकता, तो आप क्या आएगा? 7 है, इसमें टेंस नहीं, तो 1 का यानी कि टोटल कितनी स्वीट्स हो गए इसकी? 17 स्वीट्स। बेटा इसी तरीके से सी डी ई तारी आपने पहले आपने अच्छी तरीके से इसको पढ़ना है, समझना है कि वो हमसे क्या पूछ रहा है, फिर आपने इसको सॉल्व करना है। बेटा पेज नंबर 56 ओपन करो। पेज नंबर 56 पे उसने इसके अंदर वही मेथड है, 36 और 2 ये क्वेश्चन में सॉल्व कर। वंस को वंस में प्लस कर देंगे, 6 + 1 = 7, 3 + 2 = 5। देखिए वंस को वंस में प्लस करना, टेंस को टेंस में प्लस करना, राइट हैंड से स्टार्ट लेना, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब आप आ जाए पेज नंबर 70 वो बेटा, बाकी जितने भी पेजेस आपको इस असाइनमेंट में मेंशन हुए हैं, ये 61, 62, 63, ये सब पे बेटा एडिशन है और सेम इसी तरीके से होंगे जो मैंने आपको कराए हैं। आपने इसको रूल को बस आपने ध्यान में रखना है यहाँ पर के वंस वंस में प्लस करना और टेन टेन में प्लस करना। पेज नंबर 70 पेज नंबर 70 ओपन कर दो आप लोग। पेज नंबर 70 इसके अंदर थोड़ा सा चेंज, इसने एक नंबर मिस करा हुआ है, इसको आपने इसको समझना है कि क्या नंबर आएगा, किस तरह से आएगा। मैं आपको बताती हूँ कि 3 + 2nd वैल्यू मिस कर दी इसने, 8। अब इसने हमें आंसर दे दिया है और एडिशन के लिए एक वैल्यू दे दी है, दूसरी वैल्यू इसने मिस कर दी और आंसर हमारे पास उसने गिविंग कर दिया। तो अब किस तरह से होगा, जब हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन जब आता है उसको हमने क्या करना होता है, आंसर में से आंसर है इसको फर्स्ट वैल्यू को इसमें से माइनस करना, 8 में से 3 माइनस कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा 5। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर इसका आएगा
वो यहाँ इसकी नंबर बनेगा। तो 3 + 8 = 5 = 8 सिंपल। बाकी सब क्वेश्चन एक और मैं कर देती हूँ ताकि और अच्छी तरीके से आपको क्लियर हो जाए। 2 + ये मिस है वैल्यू और आंसर इसका 9 है। अब यहाँ पर आप जाए 9 में से ये आंसर है, इसमें से 2 को माइनस करो कितना है 7। तो जो इसका आंसर आएगा वैल्यू यहाँ रखें और देख प्लस करके देखें 2 + 7 कितने आएंगे 9। क्लियर बेटा? ये बहुत अच्छे से तरीके से आपने सॉल्व करने हैं ध्यान से। वन बस एक बात आपने ध्यान में रखनी है, वंस को वंस में और टेन को टेन में प्लस कीजिएगा और राइट हैंड से आपने स्टार्ट लेना है। वर्ड प्रॉब्लम बनाते वक्त भी आपने जो है पहले प्लेस वैल्यू चार्ट बना लेना, फिर उसको जितने वंस है वंस में लिखिएगा और टेन को टेन में लिखेंगे तो आपका आंसर कभी भी गलत नहीं आएगा। क्लियर? ओके, अल्लाह हाफिज, इजाजत दीजिए।